जैसा आप विदित है कि दिनांक 17/6/2023 को एक संस्थगित घटना घटित हुई थी, जिसमें थानांदना में एक नई युवती की हत्या की डॉडी जंगल में फेंक दी गई थी। उसके खुलासे के लिए हमारे महोदय ने सिविल में एक टीम का गठन किया था, जिनमें सचो संदना हमारी स्वास्थ्य सर्वास की टीम लगी हुई थी। इसमें जानकारी ये हुई कि एक जो लड़की है वो मूलतः गांव की नहीं है बल्कि शहर की लग रही थी, और इसी परिप्रेक्ष्य में एक सूचना प्राप्त हुई कि गांव एक अपना संदना में ही है, वो पाकड़ नारायणपुर, वहाँ के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम राम अवतार है, उनकी बाइक गायब हो गई है, और वो थाने पर सूचना लेके आया कि साहब मेरी बाइक गायब है, बाइक हमको नहीं मिल रही है। और बाद में हमारे SHO संदना ने उसको डेवलप किया, जानकारी हुई कि उन्हीं के गांव का एक पंकज नाम का व्यक्ति है जो दिल्ली में पंजाबी बाग में रहता है और नौकरी करता है, वहाँ पे वो अपने परिवार और बच्चों के संग दिल्ली से लौट के अपने गांव में आया था, और घटना वाले दिन के एक दिन पूर्व वो बाइक लेकर के वहाँ से चला गया था, जिसमें उसकी बेटी आसनी जो लगभग 19 साल की है, उसकी पत्नी, उसके बच्चे कहीं गए थे, और बाद में उसकी बेटी लौट के वहाँ पे नहीं आई। इसी बात को लेकर के हमारे SHO डेवलप की जानकारी ये हुई कि ये हत्या उसी लड़की के फादर पंकज ने ही किया है, यह मूलतः ऑनर किलिंग है। वो लड़की दिल्ली में रहते हुए लड़का हरदोई का सर्वेश इसके प्रेम प्रसंग हो गए थे, उसके संग वो लुधियाना चली गई थी। बाद में लौट के आने के पश्चात उसकी माँ रोकती थी लेकिन वो मानती नहीं थी, इसी बात से परेशान होकर के वो अपनी इज्जत न जाने पाए अपनी बेटी और पति को गाँव लेके आया था, और प्लानिंग के तहत उसने एक दिन शाम को अपनी बेटी और पत्नी को ये कहकर कि मैं अपने ससुराल चल रहा हूँ, उन सबको लेके बाइक उठा के आया था यहाँ पे, और जब सहोली के बाग में पहुँचा वहाँ पे तो गाड़ी को रोक करके रात को 10 बजे के आसपास ही बाग में गया, और वहाँ पे इसने उसका गला दबा के हत्या कर दी, और बाद में बांके से उसको गला काट दिया। इसने भरसक प्रयास से उसकी पहचान न होने पाए, और बांके से इसने उसके मुख को भी कुचल दिया था, और जो ऊपर के कपड़े उसके थे पिता और माता ने ही कपड़े निकाल लिए थे और जाके वही नदी में फेंक दिए थे। ये आपके सामने मैंने को प्रस्तुत किया, ये सब पूरी घटना कन्फेस कर रहे हैं, आला कतल हम लोग बरामद कर लिए हैं, जो कपड़े थे अभी तक हम लोग को नहीं मिल पाए हैं, हमारी टीम इनको लेके जा रही है, और अभी जहाँ ये बता रहे हैं कि कपड़े हमने वहाँ फेंके हैं, सब लोग बरामद कर लेंगे। ये पूरी घटनाक्रम ये है, सब मिला के पूरी घटना ये अनर की घटना है, जिसमें एक माता और पिता ने एक फर्जी इज्जत के लिए अपनी ही बेटी की हत्या कर दी है, और ये इस तरह से एक बड़ी उलझी हुई जो घटना थी वो हमारे क्षेत्राधिकारी मिश्रित और SHO संदना और स्वार्थ सर्वास की टीम के सहयोग से वर्कआउट किया गया है।